यह मिक्सर ग्राइंडर में यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीबी और ओवरलोड भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दूं। इस सर्किट ब्रेकर का यूज इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर में ये है कि आप किसी भी पॉट में अगर लिमिट से ज़्यादा आप लिक्विड या मसाला पीसते हैं तो इससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, जैसा आपका घर में लाइट ट्रिप होता है ओवरलोड होने की वजह से। तो ये ट्रिप होने से आपकी मोटर की सेफ्टी भी होती है। कभी कभी क्या होता है, ये स्विच काम करना बंद कर देती है। तो इस मिक्सर के अंदर में पावर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये ओवरलोड होने की वजह से इसका स्विच ख़राब हो चुका है, जो कि ये पीछे साइड पे आप देख रहे हैं। ये बटन बाहर आना चाहिए था मगर परफेक्ट अपने लेवल पे है, तो ये बटन काम नहीं कर रहा है और मिक्सर बंद हो चुका है। तो सबसे पहले आप स्विच ऑफ करके प्लग बाहर निकाल लें। इसके बाद आप बैक साइड के कवर की सारे स्क्रू को खोल लें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका यह अधूरा काम, जो अधूरा आपका मसाला वगैरह जो भी पीसने के लिए आपने रखा है मिक्सर ग्राइंडर में, वो आपका अभी इस टाइम पे आप यूज़ कर सकें। सिर्फ ये सर्किट ब्रेकर दिख रहा है आपको, ये दोनों वायर को खींच के बाहर निकालना है। इस काम को आप घर पे ही, आपको 5 मिनट लगेगा और आपका मसाला पिस जाएगा। आप खुद से ये काम कर लें। सीबी मिलने तक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जब आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में सीबी लगाएंगे तो 2.7 एम्पियर का सीबी लगाएं, इससे कम ना लगाएं, नहीं तो आपको बार बार रुक रुक के मसाला पीसना पड़ेगा। तो मैंने इसे यूज़ करने के लिए वायर को डायरेक्ट जॉइंट कर दिया है। अब आपको इसी तरीके से अपने मिक्सर ग्राइंडर के बैक साइड के कवर को फुल्ली फिक्स कर देना है, इसके बाद ही यूज़ करें। ये देखिए, अब हमारा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने के लिए रेडी है।